हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेडमी फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चलाते हो रेडमी फोन तो आपके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके फोन का पूरा ए टू जेड लुक चेंज। जी हाँ दोस्तों, फाइनली सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। देखो गाइज, सबसे पहले आप लुक देख सकते हो इसकी होम स्क्रीन का जो लुक है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो चुका है पूरा का पूरा। आइकन से लेके हर एक चीज जो सर्कल टाइप में आपको देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है और काफी ज्यादा मस्त लग रही है। देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक है। साथ ही यहाँ पे आपको टाइम जो है क्लॉक का कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बैटरी वगैरह चेंजेस है आपको यहाँ पे थोड़ी सी राउंड टाइप देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात करें इसके कंट्रोल पैनल की एवरीवन, तो कंट्रोल पैनल यानी कि शॉर्टकट सेंटर जो भी हम बोलते हैं, वो कुछ ऐसे मिलेगा ग्रीन टाइप में, जो कि बहुत ही बढ़िया है और अच्छा खासा लुक आपके फोन को मिल जाता है। साथ ही अगर डायलर की बात करें तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है, बट वो जो गूगल डायलर है ये, तो गूगल डायलर में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को दूसरे डायलर में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि गूगल डायलर को कैसे डिलीट करके नया डायलर एमआई का इंस्टॉल करें, वो तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं। साथ ही अगर बात करें हम इसके सेटिंग्स बैकग्राउंड की, तो सेटिंग्स बैकग्राउंड में आप लोगों को जाना है और यहाँ पे जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे खास, लेकिन यहाँ पे जो लुक है सबसे अच्छा लुक जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। आपको अपने फोन को करना है लॉक, और जैसे भाई लॉक करोगे तब एक गजब का लुक देखने को मिलेगा। भाई देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्कल टाइप नजर आएगा घूमते हुए, जो कि देखने में काफी गजब का है। साथ ही यहाँ पे टाइमर डेट वगैरह दिखाई देगी, और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो कि आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, साथ ही गैलरी ओपन कर सकते हो कैमरा, और यहाँ पे थीम्स पे जा सकते हो डायरेक्टली। और ये सर्कल जो घूमता है यार, देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और देखने में मजा भी आता है। तो कुछ इस तरीके का ये लुक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं कि भाई ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये कैसे करना है। अब भाई बात कर लेते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको आपके एमआई फोन में थीम्स स्टोर के नाम से एक ऐप मिल जाता है, उसमें जाना है और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ लिख रहा है डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स नाम से आपको इसे सर्च कर लेना है। सिंपल सा आपको जाना है यहाँ पे डायनामिक्स सर्च कर लेना है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली पहले नंबर पे ये जो थीम्स है वो आ जाएगी। फ्री थीम से बिल्कुल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, सिस्टम में आइकन्स वगैरह सब कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।